नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नम्रता चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने गंदे और पीले दांतों से? आप बार बार ब्रश करते हैं फिर भी आपके दांत मोतियों जैसे नहीं चमक रही है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। ये नुस्खा अगर आपने देख लिया, इसको यूज किया, तो आपके दांत मोतियों जैसे चमकने लगेंगे और साथ ही साथ मोतियों जैसे चमकेंगे और साथ ही साथ आपके दांतों की जो भी प्रॉब्लम होगी, बहुत से भाई बहनों को पायरिया होता है, बहुत से भाई बहनों के ब्लड आता है, मसूड़ों से खून आता है या फिर उनके दांतों में कीड़े लगे होते हैं, तो सभी समस्या समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे इस नुस्खे से। तो चलिए चलते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले नमक। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक ले लिया है, और ये मैंने सिंपल नमक लिया है जो हम सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, टाटा नमक ये मैंने ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर सेंधा नमक ले सकते हैं। तो अब इसकी सेम क्वांटिटी में हमें लेना है हल्दी पाउडर, और ये हल्दी पाउडर भी आपको जो सब्जी में यूज करते हैं हल्दी पाउडर ले लीजिए। तो आधा चम्मच मैंने नमक ले लिया है और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप ये पाउडर थोड़ा ज़्यादा सा बना करके रखना चाहते हैं एक साथ में, तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि दो चम्मच ले लीजिए नमक और दो चम्मच ले लीजिए हल्दी पाउडर, और आप इसी तरीके से मिक्स करके किसी भी एयर टाइट शीशी में आप भर करके इस मंजन को रख दीजिए। ये आपका मंजन बिल्कुल बनकर के तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें मिलाना है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आप मिला करके नहीं रख सकते हैं, वो तो आपको जब ये मंजन यूज करेंगे उसी टाइम पे इसमें थोड़ा सा डाल करके आप इसको यूज कर लीजिए। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल हमें इसमें कितना डालना है? बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा हमें डालना है, यानी कि चौथाई चम्मच। ये देखिए, अगर ड्रॉप्स आप नापेंगे 3 से 4 ड्रॉप आप इसमें डाल लीजिए, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका पेस्ट। ये देखिए, अब इसको हम करेंगे मिक्स। और दोस्तों, ये नुस्खा आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत से भाई बहनों के दांतों में कीड़े लगे होते हैं, बच्चों के दांतों में कीड़े लगे होते हैं, तो ये कीड़ों को भी ये मार देगा और साथ ही साथ आपके दांत ऐसे चमकने लगेंगे जैसे कि मोती। तो आप देख सकते हैं ये नुस्खा बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इसको यूज कर सकता है। ये नुस्खा बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके दांतों की, अगर आपके दांतों में झंझनाहट होता है या आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, जो भी प्रॉब्लम होगी आपके दांतों में, सारी समस्याएँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मैं एकदम से ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल आप एक बार यूज करेंगे एक बार में आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, नहीं, ये धीरे धीरे फायदा करेगा लेकिन स्थायी रूप से फायदा करेगा। आप देखना, आपके दांतों में अगर कीड़ा वगैरह लगा होगा वो सारा निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आपके दांत धीरे धीरे चमकने लगेंगे और दूध जैसे सफ़ेद होने लगेंगे। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? आपको लेना है एक ब्रश और जो दांत साफ करने वाला होता है, और उस ब्रश में आप इस तरीके से पेस्ट को लगा लीजिए और अपने दांतों की इससे करिएगा सफाई। बिल्कुल हौले हौले यानी कि मध्यम गति से आप इसको धीरे धीरे अपने दांतों की सफाई करें। दांतों के साथ साथ मसूड़ों को भी आप इससे मसाज करें, ताकि आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे और आपके जो दांतों की जड़ें होंगी वो भी मजबूत होगी इस नुस्खे से, और अगर आपके दांतों में कीड़ा वगैरह लगा होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, जो ये मैं मंजन बता रही हूँ, ये मंजन आप अपने बच्चों को भी कराना, ताकि बच्चों के दांतों में कभी भी कीड़े ना लगें, उनके दांत हमेशा स्वस्थ रहें और बैक्टीरिया रहित रहें, यानी कि दांतों में बैक्टीरिया पनप ही ना पाए। तो आप इस तरीके से ब्रश करिएगा बिल्कुल हल्के हाथों से। अगर आप ब्रश नहीं करना चाहते हैं तो आप दातुन ले लीजिए, यानी कि जैसे कि बबूल की पेड़ की टहनी हो, या फिर नीम की पेड़ की टहनी हो, या फिर आप इसको उंगली से भी कर सकते हैं, या फिर आप जामुन की पेड़ की टहनी हो, हैं, तो आप कोई भी इसको ले सकते हैं और इसको आप आराम से उसी में इस पेस्ट को लगाइएगा और फिर आप अपने दांतों को दातुन करिएगा। तो आप इस तरीके से इस नुस्खे को यूज करिए और अपने दांतों को मोतियों से चमकाइए और दांतों की सारी समस्याओं को ख़त्म करिए। अब मैं एक नुस्खा आपको और बताती हूँ। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास में ताज़ा एलोवेरा हो तो आप एलोवेरा भी ले सकते हैं। उस एलोवेरा का आप पल्प निकाल लीजिए, और पल्प निकालने के बाद में, आपको मार्केट का एलोवेरा नहीं लेना है, घर का ही एलोवेरा ताज़ा लीव लेनी है, और उसका पल्प निकाल लीजिए यानी गूदा निकाल लीजिए। उस गूदे को अपने दांतों में अच्छे से पूरे में घुमाइएगा, जिससे कि यानी कि ब्रश करिएगा,
तो आप देखना उससे भी आपके दांत मोती जैसे चमकेंगे और साथ ही साथ दांतों की सारी सड़न या कोई भी प्रॉब्लम है सब समाप्त हो जाएगी। तो आप चाहें तो ये नुस्खा एक टाइम इसको कर लीजिए, एक टाइम उसको कर लीजिए एलोवेरा को, तो आप चाहें या फिर आप एक नुस्खे को यूज कर लीजिए। तो आप जैसा आपको पसंद आए वैसे आप करिएगा। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके दांतों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके दांत मोती जैसे चमकने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, होते के लिए नमस्कार।